हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम वॉल प्रोलिथियम बैरेट जो ट्रिमर आता है लिथियम आयन बैटरी का, इसके ऊपर है। इसमें हम आज देखेंगे कि इसके अंदर ऑयलिंग और क्लीनिंग कैसे करना है, और अगर हम ऑयलिंग और क्लीनिंग प्रॉपर वे में नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे कि ये मशीन है, इसमें कस्टमर का कंप्लेन है कि बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम है प्लस स्लो स्पीड का इश्यू है। अब इसमें मैंने कस्टमर को सजेस्ट किया कि आप ऑयलिंग करें। कस्टमर का कहना ऐसा है कि मैं रेगुलर बेसिस पर ऑयलिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी सेम इश्यू है कि स्पीड स्लो है और बैटरी बैकअप कम रहता है। और दूसरा, इन्होंने एडिशनली बताया है कस्टमर ने कि इनका मशीन चालू होने के बाद कुछ देर बाद बंद हो जाता है। तो अब इसमें क्या प्रॉपर वे में अगर ऑयलिंग नहीं होगा तो ये सारे इश्यू आ सकते हैं। तो अब हम इससे ओवरकम कैसे हो सकते हैं, और दूसरे भी मैंने यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन करके रखे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, लो बैटरी बैकअप, जो ये कस्टमर की कंप्लेन है। दूसरा, आफ्टर अ वाइल ऑफ स्विच ऑन ट्रिमर शट ऑफ, यानी आपने ट्रिमर स्टार्ट किया, ठीक है, आप ट्रिमिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद, 1 या 2 मिनट बाद या 2-3 मिनट बाद ट्रिमर तुरंत बंद हो जाएगा। फिर से आप चार्जर लगाओ, निकाल दो, फिर से स्टार्ट करो तो वापस स्टार्ट हो जाएगा। ये दूसरा कंप्लेन। प्लस तीसरा कंप्लेन क्या है, पुलिंग ऑफ हेयर, यानी बालों का खींचना। अगर समझो कि आप प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करोगे, क्लीनिंग नहीं करोगे, तो आपका ट्रिमर बाल भी खींचेगा। उसके बाद एक स्लो स्पीड, कि स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी। उसके बाद है नॉइज़, इसके अंदर नॉइस का भी इश्यू आएगा। अगर आप इसे प्रॉपर वे में क्लीनिंग और ऑयलिंग नहीं करोगे तो इनमें से कोई एक इश्यू या तो सारे इश्यू भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि इसमें प्रॉपर ऑयलिंग और इसका क्लीनिंग कैसे करना है। अब देखिए, ये ट्रिमर है, इसमें काफ़ी सारे हेयर थे, वो मैं पहले ओपन किया तो वो सब निकल चुके, थोड़े बच्चे कुछ हेयर है थोड़े बहुत। अब इसे मैं क्लीन करता हूँ। इसमें आपको डेली, समझो एट द एंड ऑफ द डे, आज समझो कि आपने पूरा दिन ट्रिमर यूज़ किया है, ठीक है, तो एंड ऑफ द डे इसमें जितने भी बाल हो, थोड़े हो या ज़्यादा हो, उन सबको आपको क्लीन कर देना है कंपलसरी। देखिए क्लीनिंग में कैसे करना, थोड़ा सा इसको ऐसे मूव किया तो इसके यहाँ के भी सब हेयर आ गए, तो थोड़ा सा ऐसे किया यहाँ से भी सब हेयर बाहर आ गए। हर पोर्शन से हमको हेयर जितना भी हो सके पूरा क्लीन कर देना है ब्लेड को। अब जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर का कहना ऐसा है कि पहले भी मैं ऑयलिंग करता था, लेकिन फिर भी मैंने कस्टमर को सजेस्ट किया कि आप ऑयलिंग करो। अब कस्टमर यहाँ पे ऑयलिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी कस्टमर का सेम इश्यू क्यों आता है? क्योंकि कस्टमर क्या नॉर्मली सिर्फ यहाँ आगे ही ऑयलिंग करते हैं, उनको अभी प्रॉपर पता नहीं है कि अंदर भी एक ऑयलिंग करना होता है। वो कहाँ पे करना होता है आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ये एडिसन ऑयल है, स्पेशली क्लिपर और सीजर्स के लिए आता है, ये क्लिपर ट्रिमर और सीजर्स के लिए। हम आगे तो 2-3 ड्रॉप यहाँ पे ऑयलिंग करते ही है, वो आपको कंपलसरी करना है, ठीक है। पर उसके बाद एडिशनली एक ड्रॉप यहाँ पर नाखना आपको, ये इसको कहते हैं ब्लेड हिल। ब्लेड है ना, यहाँ पीछे की साइड यहाँ पे एक टच होती है, ठीक है। एक ड्रॉप यहाँ पे नाखना है, प्लस सेम वे यहाँ पे भी टच होती है ब्लेड, देखिए। तो एक ड्रॉप हमें यहाँ पे भी नाखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, समझो कि अगर आप आगे ऑयलिंग करते हो तो आगे तो फ्री है, लेकिन पीछे समझो कि आपने क्या, तो 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, पीछे ऑयलिंग ही नहीं हुआ है, तो पीछे का जो पोर्शन है वहाँ से वो मशीन जाम चलेगा। तो एक साइड से भी वो जाम चलेगा तो आपका मशीन का ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। ये सारे इश्यू आ सकते हैं इसमें, जो यहाँ पे मैंने मेंशन लिस्ट डाउन की है। ओके, तो आपको इस तरीके से आगे 3 ड्रॉप, पीछे 2 ड्रॉप, 1 2 3, एक इधर और एक इधर, इस तरीके से आपको कंपलसरी ऑयलिंग करना है।
अब मैं आपको इसमें फिट करके बताता हूँ। अभी देखिए एकदम पावरफुल स्पीड में चल रहा है, एकदम पावरफुल स्पीड है। ये समझिए कि 99.9% इसी का इश्यू था, अभी कस्टमर का प्रॉब्लम जो कंप्लेन सोल्व हो चुका है। एकदम स्पीड भी बढ़ गया इसका, बैटरी बैकअप भी एकदम पावरफुल हो चुका है, बैटरी बैकअप भी कस्टमर को अच्छा मिलेगा। कस्टमर का जो कंप्लेन था कि चालू होने के थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, अब वो बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है, कंपनी का एक सिस्टम आता है सर्किट, जो अंदर पीसीबी कहते हैं जिसे, तो उसमें इसका आईसी ऐसे डिज़ाइन किया हुआ होता है कि अगर ब्लेड जाम चलेगी तो मोटर पर लोड पड़ेगा, मोटर पर लोड पड़ेगा तो क्या पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा वो, तो उसकी वजह से क्या है कि अंदर सर्किट जो होती है सिस्टम, वो मोटर को सप्लाई को कट ऑफ कर देती है कि भाई आगे सप्लाई नहीं जाना चाहिए ऐसे, तो क्या ट्रिमर बंद हो जाता है। तो बस अगर हम प्रॉपर वे में ऑयलिंग करेंगे और डेली बेसिस पे क्लीनिंग करेंगे तो ये कंप्लेंट नहीं आएगी। हर कटिंग पे आप जब भी कटिंग करो या आगे के जो ब्लेड है उसमें 3 ड्रॉप डालना है, और एट द एंड ऑफ द डे, यानी समझो आपको शाम को आप क्लीनिंग करके ट्रिमर रख रहे हो, तो एंड ऑफ द डे आपको ऐसे ब्लेड को डिसअसेंबल कीजिए, सब जितना भी एक्सेसिव हेयर है उसको रिमूव कीजिए, आपको जैसे बताया ऐसे आगे 3 और यहाँ पीछे 1 और 2 ड्रॉप ऑयलिंग करके फिर से फिट करके रख दीजिए। बस आपको इतना डेली बेसिस पे करना है तो आपको ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं होगा। दूसरा, इसमें ऑयलिंग नहीं करने से एक और प्रॉब्लम आता है, वो ये है कि ब्लेड डैमेज, ब्लेड के कुछ पार्ट्स, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये वाला, जिसको ब्लेड की जो शाफ्ट है वो ऐसे 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 मूव करती है, सॉरी मोटर की शाफ्ट, मोटर की जो शाफ्ट है ब्लेड को ऐसे ऐसे मूव करती है, ये समझो ये मोटर की शाफ्ट है मेरा जो डिसमिस है, ये ऐसे 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 मूव करती है, ठीक है। ये काफ़ी डेलिकेट पार्ट है, क्यों? फिर इमेज में अगर आपको देखिए, मैं क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये जो पार्ट है सिर्फ यहाँ से और यहाँ से, ये 2 पॉइंट से कनेक्टेड है, यहाँ से पूरा ओपन है और इस साइड से भी पूरा ओपन है, नीचे से भी ओपन है, सिर्फ यही 2 जगह से कनेक्टेड है। अगर आपने ब्लेड में ऑयलिंग नहीं किया, अगर समझो यानी प्रॉपर वे में नहीं किया, आगे ऑयलिंग किया पीछे नहीं किया, यानी आपकी ब्लेड समझो जाम चल रही है, ठीक है, वो जाम चलने की वजह से क्या होगा, मोटर तो उसकी स्पीड में चलेगी और वो जब इसको ऐसे ताकत से घुमाएगी तो शॉर्ट टाइम में ये जो पार्ट है आपका प्लास्टिक का यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि इसके अंदर है, देखिए 2 पॉइंट से ये पूरा जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट ऊपर का, ये सिर्फ 2 पॉइंट पर कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये 2 पॉइंट से पार्ट टूट गया, ये पार्ट टूट गया तो मोटर सिर्फ अकेला अकेला ही घूमेगा, ब्लेड आपकी मूव नहीं होगी। तो आपको प्रॉपर ऑयलिंग और क्लीनिंग का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल ट्रिमर की लाइफ, हेयर कट, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हो सके तो ऐसे न्यू अपडेट्स के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।